अस्सलामुअलैकुम गर्ल्स, आज हम लोगों ने 5.3 का सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन देखना है। कल मैंने आपको डेफिनेशंस मार्क करके सेंड की थी, फैक्टर थ्योरम की, रिमाइंडर थ्योरम की और ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल की। आई थिंक आप लोगों ने उनको रीड आउट किया होगा और ध्यान से पढ़ा होगा, ठीक है। जब आपने ध्यान से देखा होगा उन्हें तो आपको थोड़ा बहुत तो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि उसमें कहा क्या जा रहा है। रिमाइंडर थ्योरम तो मैंने क्लियर कर दिया था, लेकिन फैक्टर और ज़ीरो में फ़र्क थोड़ा सा था रिमाइंडर और फैक्टर में। क्या रिमाइंडर थ्योरम में हमने एक्स के साथ जो भी वैल्यू उसको ज़ीरो के इक्वल नहीं रखना, ये कब करना है? फैक्टर में, जो हम आज कर रहे हैं। रिमाइंडर में और फैक्टर में फ़र्क कितना ऐसा है कि रिमाइंडर में डिवाइड करते हैं और फैक्टर में सिर्फ फैक्टर होता है, ठीक है। ये इतना सा सिर्फ फ़र्क है, इसको आज हम देखेंगे। हमारे पास उन्होंने क्या कहा है, लेट पी ऑफ एक्स, ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है तो हम लोगों ने ये पॉलिनोमियल है, उन्होंने कहा है कि ये जो सा है इसके फैक्टर है। क्या फैक्टर है? ये इसका फैक्टर है, ठीक है। पी ऑफ एक्स का जब एक्स माइनस वन फैक्टर है, मैंने उसको वो स्टेटमेंट नहीं लिखी, वो आप बुक से देखेंगे। तो एक्स माइनस वन जब इसका फैक्टर होगा तो हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम यूज़ करते हुए, क्योंकि उन्होंने बता दिया है, क्लियरली मेंशन कर दिया है कि उसका फैक्टर है, तो हमने के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जो अननोन ये के है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस वन को मैंने ज़ीरो के इक्वल रखा, किसके अकॉर्डिंग? फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में ऐसा नहीं करना है, उसमें हमने सिर्फ इतनी इतनी फॉर्म देनी होती है, ठीक है। तो x की ये वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को मैंने इन सारे x's में पुट कर दिया और ये हो गया। अब जब ये वाली चीज़ है, उन्होंने क्या कहा है फैक्टर थ्योरम में, वो ज़ीरो के इक्वल हो जाती है, तो यहाँ पर इसकी जगह मैं ये ज़ीरो पुट कर दूँगी। ये ज़ीरो हो गया। बाकी जो उनसा है, हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके नेगेटिव टर्म्स एक साथ और पॉजिटिव एक साथ करके ये आ गया। अब k की वैल्यू इधर आ जाएगी तो ये पॉजिटिव 6 की वैल्यू आ गई, ठीक है। बस इतनी सी हमारे पास इसकी कैलकुलेशन थी। अब आगे हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन चेक करना है। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहे हैं कि ये वाले हमने चेक करना है, वेदर दीज आर द फैक्टर्स और नॉट, किसके? इस पॉलिनोमियल q ऑफ x के, ठीक है। अब इसके जब ये फैक्टर्स हैं तो हम लोगों ने वन बाय वन इसको लेके इसके ऊपर फैक्टर थ्योरम अप्लाई करके चेक करना है कि आंसर वाकई ज़ीरो आ भी रहा है या नहीं आ रहा। मैंने x माइनस टू के अकॉर्डिंग ज़ीरो के इक्वल लिया और इसको इसके इक्वल कर दिया, ठीक है। अब मैंने ये x की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। क्या है x की वैल्यू? टू है, तो इन सारे x's में टू आ जाएगा। जब ये टू आ गया तो यहाँ मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, नेगेटिव्स एक साथ ले लिए, पॉजिटिव एक साथ और ज़ीरो आ गया, ठीक है। जब ये ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब है ये इसका फैक्टर है। आगे वाले हमारे पास एक्स माइनस थ्री में भी मैंने सेम यही केस किया, माइनस थ्री है बच्चे, पावर ऑड हो तो साइन नेगेटिव रहता है, पावर इवन हो तो साइन पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। कल एक बच्ची ने ये सवाल किया हुआ था मुझसे, बाद में उसको ये मिस्टेक हो रही थी, ठीक है। तो पावर जब इवन हो यानी टू के मल्टीपल्स में हो तो हमारे पास क्या होगी, साइन पॉजिटिव हो जाएगा। पावर ऑड होगी तो साइन नेगेटिव रहेगा। पॉजिटिव केस में तो इशू नहीं, ये नेगेटिव में मसला आता है। अब बाकी ये दो साइंस हैं, ये दो साइंस हमारे पास यहाँ पे थ्री की पावर कौन सी, माइनस थ्री की वन है, यानी ये नेगेटिव ही रहेगा। तो ये दो सेम साइंस मिलके ये पॉजिटिव कर रहे हैं, ठीक है। बाकी वही इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास ये ज़ीरो आ गया। नेक्स्ट वाला फिर हम कहेंगे कि एक्स प्लस थ्री भी इसका फैक्टर है। आगे क्या है, इसके लिए काम करना है फोर के लिए। जब मैंने फोर के लिए किया, नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स को इकट्ठा किया तो मेरे पास आंसर 70 आया, विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब है x माइनस फोर इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ क्यू ऑफ x। बस इतना सा आपका काम है, आपने इसके रिमेनिंग पार्ट्स खुद करने हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।